अब इनको कौन कहे कि त्रयोदशी लगने वाली, इनको बोल दे तो देव ले साहब। अब ये तो चले गए स्नान करने के लिए, अब वो त्रयोदशी लगने ही वाली थी, अब क्या करें। ब्राह्मणों से राजा ने सलाह की कि अब स्थिति में मैं क्या करूं, तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज भगवान के चरण का चरणोदक ले लो आप बस, तो वो व्रत परायण भी हो जाएगा और अतिथि सेवा। अब क्यों इतना क्यों सोच रहे हैं, बोले अगर किसी अतिथि को आप अपने घर में भोजन के लिए निमंत्रण दो तो पहली शर्त यह है कि उससे पहले तुम मत खाओ। आजकल उल्टा कर देते हैं, पंडित जी आए नहीं उससे पहले ही ब्रेकफास्ट खत्म है, इसीलिए तो पुण्य उतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। देखो मैं तो सबके यहां आ नहीं सकता हूं, पर मैं चाहता हूं कि जो आप भोजन कराते हो उसका फल आपको लगे, यही ना मेरा स्वार्थ है कि जो व्यक्ति जिस भाव से करा रहा है उसका लाभ उसको मिल जाए। तो कराने की विधि आपको आनी चाहिए, कराने की विधि यह है जिस दिन आप किसी को निमंत्रण दें उस दिन आप उससे पहले ग्रहण न करें, यह पहली विधि है। हाँ अगर कोई वयोवृद्ध है कोई बीमार है तो भगवान से क्षमा मांगकर, क्योंकि दवा बहुत जरूरी है आजकल, तो औषधि के लिए वो क्षमा है, सिर्फ औषधि वालों के लिए। ऐसे नहीं कि मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं इनको भी बना के खिला तो भगवान माफ नहीं करेगा, उसका फल वो नहीं लगेगा आपको जो लगना चाहिए, ये ध्यान रखना आपको। अब दुर्वासा ऋषि जैसे ही अम्बरीश राजा ने परायण किया भगवान के चरणामृत से चरणोदक से, उतने में दुर्वासा ऋषि आ गए। ओहो भयंकर गुस्सा, हमें निमंत्रण देकर हमें अतिथि बनाकर तुमने अपराध कर दिया, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जट जटा में से एक कृत्या नाम की राक्षसी को उत्पन्न किया और वो दौड़ पड़ी, भयंकर मुंह फैलाकर दौड़ी महाराज, मानो खा जाएगी एक क्षण में। राजा सर झुकाकर बैठ गए, अपराध किया है आप जो सजा देंगे मुझे स्वीकार होगी। इतनी विनम्रता, तुम भक्त हो इस बात की पहचान इसी में है कि तुम विनम्र कितने हो। देखो टाई साई तो सब पहन लेते हैं आजकल, ऊंट की सी गर्दन कोई भी कर लेगा, जिसकी जेब में 2,00,000 रुपए हो ना वो किसी से कम नहीं है। यूं करना तो बहुत आसान है, मुश्किल काम है झुकना, सबसे मुश्किल काम है। किसी की चुगली करना मुश्किल काम नहीं है, किसी की बड़ाई करना सबसे मुश्किल काम है। आप अपने आप अपनी लाइफ में अनुभव की करके देखिए, आपने किसी की बुराइयां ज्यादा की है कि बड़ाई, आपको खुद पता चल जाएगा, औरों से मत पूछना। आपके कानों ने बुराई ज्यादा सुनी है कि प्रशंसा, आपको खुद पता चल जाएगा। अपना स्वभाव चेंज कीजिए, आप कानों से कही अरे कानों अब बुराई नहीं अच्छाई सुना करो, अपनी जुबान से कहो चुप हो जा क्यों नरक में ले जा रही है, अब किसी की बड़ाई करना सीख ले, अब बुराई करना बंद कर दे, और इस सर को कहो अरे घमंडी कब तक यूं ही ऊंट की तरह देखता रहेगा, अब झुकना सीख ले, अब झुकना सीख ले। बहुत पुराना शहर है, कई बार बोल दिया, एक बार और बोल देंगे तो कौन सी प्रलय आ जाएगी, एक बार और बोल देते हैं है? झुकना तो इंसान की शान होती है, झुकना तो इंसान की शान होती है, अकड़ मुर्दे की पहचान होती है, अकड़ मुर्दे की। बताओ ब्लड प्रेशर इतना लो करने की इच्छा है, अब बजा ही नहीं रहे हो, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। अकड़ मुर्दे की पहचान होती है, मुर्दा अकड़ जाता है आप सबको पता है, वो झुक नहीं सकता, झुकता तो वही है जिसमें जान होती है। फलदार वृक्ष झुके रहते हैं और जिनमें कुछ नहीं है वो सरू की तरह लंबे ऊंचे, उनके बच्चे भी उनके मरने की दुआ करते हैं। तो ऐसी जिंदगी क्या फायदा,
विनम्र बन के जियो। राजा कोई अपराध नहीं किया फिर भी सर झुका के बैठा, कृत्या दौड़ पड़ी और जैसे ही दौड़ी जट भगवान के सेवक सुदर्शन आक्रमण कर दिया, उस राक्षसी का वध कर दिया। अब उसका वध कर दिया तो भी सुदर्शन का क्रोध शांत नहीं हुआ। अब ध्यान दें, दुर्वासा ऋषि कौन है? संत। और राजा कौन है? भक्त। कौन है? जोर से बोलो, किन का अपराध नहीं करना चाहिए लाइफ में? तीन का, साधु ब्राह्मण और भक्त की कोई जाति नहीं होती। जो भगवान का है वही भक्त है, उसका अपमान कभी नहीं करना। अब अपराध किया संत ने एक भक्त का, एक संत ने भक्त का अपराध किया तो देखिए हस्र क्या हुआ। सुदर्शन दौड़ा, दुर्वासा ऋषि आगे आगे, सुदर्शन पीछे पीछे। सबसे पहले पहुंचे ब्रह्मलोक में, पिताजी पिताजी बचाओ बचाओ, पिता में बचाओ। बोले क्या हुआ? बोले मुझे सुदर्शन मार रहा है, मुझे सुदर्शन मार देगा, इसके तेज से मुझे बचा लो। ब्रह्मा जी बोले जल्दी निकल जाओ ब्रह्मलोक से। क्यों, आप तो बचा सकते हो? बोले बिल्कुल नहीं, सुदर्शन की जगह कोई और होता तो हम सोचते भी, सुदर्शन लगा हुआ है तो जल्दी भागो वरना तुम्हारे चक्कर में हम भी लपेटे में आ जाएंगे। ये स्थिति कब होती है? बोले पुलिस थाना, पुलिस थाना यहां से कोई फोन आ जाए तो चलो ठीक है हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, और इनकम टैक्स वालों की रेड पड़ जाए तो? कौन सा रिश्तेदार आपका फोन उठाता है? बोलो भाई हमें मत करो, हम भी लपेटे में आ जाएंगे तुम्हारे चक्कर में, पागल हो गए हो क्या, रखो फोन। हाँ जी कि ना जी, पुलिस चौकी थाना कोई इधर उधर की कोई बात हो, अच्छा ठीक है टेंशन मत लो मैं आता हूं। और जब कोई इनकम टैक्स का ही रेड पड़ गया फोन मत करना, और देखते ही कई लोग तो उठाते ही नहीं। न्यूज चल रही है इतने जगहों पे छापे, तुरंत स्विच ऑफ कर लिया जो नंबर उस पर। 10 दिन बाद पूछा क्या हुआ? हाँ मेरी तबीयत खराब थी तो फोन स्विच थोड़ा है। और ये नहीं कह रहा कि तबीयत तेरे न्यूज को देख के खराब हुई मेरी, तो ये है। तो भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा जाओ जाओ जाओ, सुदर्शन चक्र से हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, जितना जल्दी हो सके चले जाओ। भागे, शिव जी के यहां गए। शिव जी ने भी बच्चों को बैठा ले प्लीज। कौन के हैं ये? कथा है, पंडाल है, आपके घर का आंगन नहीं है। राधे राधे बोले, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे, शिवजी के पास में गए, दुर्वासा ऋषि हमें बचाओ हमें बचाओ। दुर्वासा ऋषि ने कहा देखो हम बाबा भोलेनाथ ने कहा, दुर्वासा ऋषि भोलेनाथ के पास गए। बाबा ने कहा देखो तुमने और कुछ किया होता तो हम सोचते भी, पर ये शिव बाबा भोले कहते नारायण का सुदर्शन है हम नहीं रक्षा कर सकते, जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। फिर कहाँ जाओ? नारद जी ने बताया जिनका सुदर्शन है वहीं जाओ। तो सुदर्शन चक्र किनका है? नारायण भगवान का। तो वहीं दौड़े दौड़े चले गए। नारायण भगवान ने क्षीर सागर में उनका स्वागत किया और कहा महाराज स्वागत साई आपका, पहले सुदर्शन को कहो ये शांत हो जाए। बोले क्या हो गया? पूरी घटना बताई, मुझे बचा लो। भगवान बोले आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं बचा सकता। ये किसको कह रहे हैं? संत को। बोले प्रभु ये आप ही का सुदर्शन है, आप ही इशारा कर देंगे तो शांत हो जाए। बोले पर मैं इशारा करूं क्यों? बोले प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं। बोले तो क्या हुआ, आपने अपराध किसका किया हुआ है? आप ये मत सोचिए मैं स्वतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भी पराधीन हूं। बोले आप पराधीन है? बोले हाँ मैं पराधीन हूं। आप कैसे? अहम भक्त पराधीन है स्वतंत्र वही ध्वज साधु विग्रस्त हृदय भक्तेर भक्त जनप्रिय। हे महात्मन मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। कोई ये ना समझे कि भगवान स्वतंत्र है, मैं भी परतंत्र हूं, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। और क्यों अधीन हूं? क्योंकि उन भक्तों को मेरे सिवा किसी और पर भरोसा नहीं है,
इसलिए मुझे भी मेरे भक्तों के सिवा किसी और पे भरोसा नहीं। ये भक्त मेरा ही आश्रय लेते हैं तो मैं हमेशा उन्हीं के साथ खड़ा रहता हूं। और एक और बात बता दूं, मेरे भक्त अपने हृदय में सिर्फ मुझे विराजमान करके रखते हैं तो मेरे भक्तों को यह भी समझना चाहिए मेरे हृदय में भी सिर्फ मेरे भक्त ही रहते हैं। भक्तिर भक्त जनार्दन जनप्रिय, वो जन मुझे बहुत प्रिय है जिनके हृदय में भक्ति विराजमान होती है। तो इसलिए तो क्या भगवान आपका नाम है शरणागत भक्त वत्सल, क्या आज आपका ये प्रण झूठा हो जाएगा कि आपकी शरण में आए हुए व्यक्ति निराश होके जाएगा? बोले नहीं होगा, हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते लेकिन आपको उपाय बता सकते हैं। क्या? बोले जिसका अपराध किया है उसी से जाके क्षमा मांगो। तुरंत दुर्वासा ऋषि दौड़े, अम्बरीश के चरणों में लेट गए, अम्बरीश द्वार पर ही खड़े। ये पूरी घटना एक साल तक चली, कितने एक साल तक। और इस पूरी घटना में दुर्वासा ऋषि के जाने से दुर्वासा ऋषि के आने तक अम्बरीश राजा द्वार पे ही खड़े रहे, कुछ खाए पिए बगैर। यह है अतिथि सेवा। आजकल चार पांच मिनट लेट हो जाओ, अरे हम कब से खड़े, कहां रह गए महाराज, आना है कि नहीं? नहीं आना है तो बता दीजिए, और किसी पंडित जी को बुला लेंगे। बहुत तंग करते हैं आप, बहुत लेट हो गए। ऐसे समझो जैसे पंडित जी को बुला के खिला के आसान हो रहा है, धर्म की स्थिति इतनी गिर गई है। और वो चार पांच हेलंदाओं को बुला के खाता है पीता है बैठता है, उनका इंतजार करने में शर्म नहीं आती है? नहीं, आजा भाई आज। अरे साहब मेरे को लेट हो रहा है थोड़ा, वो काम खत्म कर लूं। हाँ आ जाइए, कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं वेट करूंगा, आ जाना। हाँ बुला ले जा, जी खवावा तो अमरूद, पहुंचावा तो स्वर्ग। सीखिए, अम्बरीश राजा द्वार पर खड़े एक साल अपने अतिथि का स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही अम्बरीश राजा के पास पहुंचे, चरणों में प्रणाम किया, और जैसे ही चरणों में प्रणाम करने के लिए दंडवत करने लगे, अम्बरीश राजा ने उठा के गले से लगा लिया। प्रभु ये क्यों उल्टी गंगा बहा रहे हो महाराज, हमें प्रणाम करना आपको, आप हमें प्रणाम कर। अरे नहीं राजा, तू कृपा कर सबसे पहले तो सुदर्शन को समझा, इसे रोक, इसके ताप से मैं जलाई जा रहा हूं। अम्बरीश भक्त कहते हैं, हे प्रभु, अगर मैंने एक क्षण भी सच्चे मन से अपने नारायण की भक्ति की हो तो ऋषि का ताप एक क्षण में समाप्त हो जाए। मेरे प्यारे हो, सुदर्शन एक क्षण में शांत हो गए। जो सुख जो दुख ब्रह्मलोक में नहीं कटा, जो दुख शिवलोक में नहीं कटा, जो दुख नारायण के लोक में नहीं कटा, वो दुख एक क्षण में भक्त के पास जाने से समाप्त हो गया। कितनी बड़ी कृपा, कितना बड़ा महात्मा भगवान अपने भक्तों का प्रदर्शित करते हैं। आज हमारे मन में इतनी वेदना इतनी कष्ट क्यों? क्योंकि हमने भक्तों का संग करना छोड़ दिया, दुष्टों का संग करना प्रारंभ कर दिया। जब दुष्टों का संग करोगे तो तुम कभी प्रसन्न नहीं रह सकते। हाँ मैनेज बहुत कर सकते हो, मैनेजमेंट बढ़ा सकते हो, सुख सुविधाएं साधन बढ़ा सकते हो, पर सुख नहीं प्राप्त कर सकते। गद्दों पे नींद सबको थोड़ी आती है साहब, गद्दे तो सबके पास हैं, आराम की नींद किसी किसी को आती है। बताओ पैसे से बिस्तर खरीद सकते हो क्या? नींद खरीद सकते हो पैसे से? तुम लोग दवा खरीद सकते हो क्या पैसे से? दुआ खरीद सकते हो पैसे से? भोजन बड़े अच्छे अच्छे व्यस्त बढ़िया स्वादिष्ट बनवा सकते हो क्या? भूख खरीद सकते हो? तुम्हारे सर में दर्द हो जाए, पत्नी तुम्हारी फेवरेट वेजिटेबल बनाए, सब डिश वही जो तुम्हें पसंद है, और तुम्हारे सर में दर्द है, हल्का सा बुखार है, बताओ फेवरेट लगेगी? ए जी आ जाओ, आपकी फेवरेट बनाई है, वो क्या होती है, जो भी होती तुम्हें पसंद हो, बोले वही बनाई है। अरे बोले आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा, माथा फट रहा है, हमें तो दिख नहीं रहा आपका माथा फट रहा है। अरे तुमको कैसे दिखेगा, मैं फील कर रहा हूं। नहीं नहीं हमको दिखाओ कहां फट रहा है माथा। अरे कैसे दिखेगा माथा फट रहा है, ये तो फील होता है, तुमको फील हो रहा है,
हमको तो नहीं दिख रहा है। जब तेरा माथा फट रहा है, किसी को दिख नहीं रहा है, तो मेरा भगवान तेरे फटे हुए माथे में से तुझे कैसे दिख सकता? दिखता नहीं है भगवान, दिखता नहीं है। तेरे माथा फटा हुआ दिखा किसी को? दर्द हो रहा है उसमें? दिखा? पर फील तो हो रहा है। पर जैसे तुझे माथा फट रहा है, सर में दर्द फील हो रहा है, वैसे ही मेरा ठाकुर इन भक्तों को फील हो रहा है। फर्क है, तुम कुछ भी प्रयास कर लो, सर का दर्द दिखा नहीं सकते, लेकिन थोड़े कुछ अच्छा प्रयास कर लो, तुम्हें मेरा ठाकुर दिख जाएगा। ये फर्क है थोड़ा सा। तो एक क्षण में दुर्वासा ऋषि कहते, वाह मेरे प्रभु, कैसे भक्तों का मान आप बढ़ाते हो। कोई आपसे सीखे, चरणों में बार बार ठाकुर के गीत गाते हुए गए, अम्बरीश जैसा भक्त कोई नहीं। देखो एक राजा, लेकिन वो भक्त है। कभी भी, मैं फिर कह रहा हूं, तीन लोगों का अपराध कभी मत करना, ब्राह्मण, भक्त और संत। बोले महाराज आजकल बड़ी बातें होती हैं, बातें तो तुम्हारे घर के बारे में भी बहुत होती हैं। तुम चार दिन की कितने लोगों की जिंदगी जीते हो? कितने लोग जानते होंगे तुमको? 100, 50, 200, 400, 500, 1000? हाँ या ना? इससे ज्यादा जानते हैं? 1000 से ज्यादा जानते तुमको? 2000? 2000 में कितने लोग तुम्हारी बड़ाई करते होंगे? एक तुम्हारी माँ और एक तुम्हारा बाप। पत्नी भी तुमसे सेटिस्फाइड नहीं, वो भी मायके में जाकर तुम्हारी तारीफें करती है, बड़ा निकम्मा है, कुछ भी कर लो मानता ही नहीं है, बड़ा ढीट है। और ऊपर से पास में जाके कहते, हाँ जी क्या बना, व्हाट वुड यू लाइक। 5000 में से 2 लोग प्रसन्न है, वो भी क्योंकि माँ बाप हैं, वो तुम्हारी बुराई देखते नहीं। तो ये तो संसार है, अच्छाई देखने का नजरिया इसका बदल गया है, सिर्फ बुराई देखती है। लेकिन बुराई नहीं, संसार में भक्ति की लाइन में जाओगे तो सिर्फ अच्छाई अच्छाई है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। थोड़ा सा प्रसंग राम जी का सुना देते हैं, फिर चलेंगे कृष्ण महोत्सव की ओर। रेडी? पक्का राम जी का चरित्र सुनेंगे? सुनेंगे नहीं? हाँ और क्या, नहीं सुनने का तो कोई मतलब ही नहीं। भगवान श्री राम दुनिया का सबसे बड़ा दुख है गरीब होना, और उससे भी बड़ा दुख है अनाथ होना। जिंदगी अगर एक जंग है तो सबसे ज्यादा जिंदगी की जंग असहाय, अनाथ एवं गरीब बच्चे ही लड़ रहे हैं। वैसे तो यह दुनिया बहुत बड़ी है, और इस दुनिया में जिसका कोई नहीं उसके भगवान हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु वही भगवान जब किसी महापुरुष को सत प्रेरणाओं से प्रेरित कर उनको माध्यम बनाकर समाज सेवा की ओर अग्रसर करते हैं, तो भगवान की कृपा एवं दयालुता का एहसास स्वतः होने लगता है। कुछ इसी तरह का विचार शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के हृदय में स्फुरित हुआ। विचार था असहाय, बेघर, अनाथ बच्चों के लिए आशियाना बनाकर उन्हें शिक्षा के प्रकाश से रोशन करना, समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। पूज्य ठाकुर जी एक ऐसा ही आश्रय बनाने जा रहे हैं, जहां उन बच्चों का संपूर्ण विकास एवं उनके भविष्य का निर्माण होगा। शिक्षा, संस्कार, देश प्रेम, खेल, उच्च कोटि की प्रतिभा बच्चों में रोपित की जाएगी। इसी सत प्रयास के साथ आओ हम सब भी ब्रज भूमि पर बनने वाले इस अनाथ आश्रम में अपना योगदान देकर पुण्य लाभ प्राप्त करें, एवं परम पूज्य ठाकुर जी के कंधे से कंधा मिलाकर इस सपने को पूरा करें।